मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार शिक्षा विभाग की अपर मुख्य सचिव के पाठक जब से ACS का पद संभाले हैं तब से लगातार बिहार की लचर शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां के पाठक लगातार एक से बड़े एक फरमान जारी करते हैं और उन फरमानों से शिक्षा विभाग में मानो की हड़कंप मचता हुआ भी नजर आता है, तो वहीं दूसरी ओर बिहार शिक्षा विभाग में जितने भी भ्रष्टाचारी हैं के पाठक के आने से उन भ्रष्टाचारियों पर लगाम कसता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन आए दिन कुछ तस्वीरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं, आए दिन कुछ खबरें ऐसी निकलकर सामने आती हैं जिसके बाद फिर से बिहार शिक्षा विभाग पे सवाल खड़ा हो जाता है और खास करके के पाठक पे सवाल खड़ा हो जाता है कि के पाठकी के बाद भी इस तरह की चीजें बिहार शिक्षा विभाग में हो कैसी जाती हैं। दरअसल आपको हम बता दें कि बिहार शिक्षा विभाग से एक बार फिर से बच्चों की थाली खरीदने को लेकर अब खबर निकलकर सामने आई है। इसके लिए हेडमास्टर को भुगतान करना होता है। हेडमास्टर पर शिक्षा विभाग के कार्यालय में बैठे चपरासी से लेकर विद्यालय अवर निरीक्षक तक दबाव बना रहे हैं। चेक लेने के बाद बिल दिया जा रहा है। थाली की खरीदारी वाला बिल ऐसा है जहां कोई शिकायत होने पर आप संपर्क नहीं कर सकते हैं। बिल में सप्लायर एक एड्रेस नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, बस यूं ही एक एजेंसी का नाम प्रिंट कर हेडमास्टर को थमाया जा रहा है। ये दर्द है राजधानी पटना के एक हेडमास्टर का। दरअसल आपको बता दें कि स्कूलों के हेडमास्टरों ने बताया है कि विद्यालय अवर निरीक्षण मैडम की ओर से एक खास वेंडर को चिन्हित किया गया है, उसी से थाली की खरीदारी कराई जा रही है। नहीं खरीदने पर तरह तरह से हेडमास्टर को तंग किया जाता है। थाली मानक के हिसाब से अच्छी भी नहीं है, थाली की क्वालिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, पैसे पूरे लिए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, हेडमास्टर पर दबाव बनाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें कि उसके बदले जो भी बिल थमाया जा रहा है वो बिल किसी काम का नहीं है। आपको हम समझाते हैं कि सरकार की ओर से थाली सप्लाई के मायने क्या तय किए गए हैं। उसके अलावा जान लेते हैं कि इस तरह की थाली सप्लाई की जा रही है। स्कूल में थाली मुहैया कराने को लेकर सरकार की ओर से आदेश क्या जारी किए गए हैं। नियम अनुसार 1 से 5वीं कक्षा तक बच्चों की थाली की लंबाई और चौड़ाई जो है वो 24 से 27 सेंटीमीटर रखा गया है। हकीकत है स्कूल में 23.5 सेंटीमीटर लंबाई और चौड़ाई वाली थाली सप्लाई की जा रही है। 6ठी से 8वीं तक कक्षा के बच्चों की थाली की लंबाई जो है वो 27 से 30 सेंटीमीटर रखी गई है, लेकिन मात्र 24 सेंटीमीटर की थाली ही सप्लाई की जा रही है। 1 से कक्षा 5 तक बच्चों के लिए थाली मानक वजन जो है वो 250 से लेकर 270 ग्राम निर्धारित किया गया है और सप्लाई जो है वो 264 ग्राम का किया जा रहा है। एक तरफ जहां आपको बता दें कि बिहार के सीतामढ़ी जिले में एक हेडमास्टर ने तो यहां तक कह दिया है कि विभागीय पत्र में थाली की खरीदारी विद्यालय शिक्षा समिति और हेडमास्टर की ओर से की जानी है। इसके लिए बाजार में कम से कम 3 विक्रेताओं को कोटेशन लेना है, इसके बाद न्यूनतम दर पर थाली की खरीदारी करना है और हकीकत में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और BEO की ओर से बताए गए वेंडर से आपूर्ति कराते हुए रिसीविंग के लिए दबाव बनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हेडमास्टर्स जो हैं वो किस कदर परेशान है, क्योंकि के पाठक ने जो बच्चों की थाली के लिए जो भी चिन्हित किए हैं यानी कि जो पॉइंट्स बताए हैं उन पॉइंट्स के आधार पर थाली की खरीदारी नहीं हो रही है और इस थाली की खरीदारी नहीं होने के कारण निरीक्षण यानी कि जो भी चेकिंग करने के लिए स्कूल में पहुंचते हैं वो हेडमास्टर को ही सवाल करते हैं, क्योंकि इन सारे सवालों का जवाब उन्हें देना है। एक तरफ जहां वेंडर्स उन्हें तंग कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर निरीक्षण की तरफ से भी उन्हें लगातार सवाल किया जाता है। अब देखना होगा कि बिहार में खास करके शिक्षा विभाग में थाली में जो ये फेरबदल गड़बड़ी चल रही है इसको लेकर के पाठक अब क्या सख्त रुख दिखाते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना।